Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? मैं सुलेखा अरफान, सुलेखाज किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ। तो चलिए, आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ मलाई चिकन सीख कबाब ग्रेवी। बहुत ही डिलिशियस, मजेदार बनती है, बहुत ही आसानी से घर के हाजिर मसालों से बन जाएगी। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी क्विकली। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की बनाते हैं। चलिए, ये है आधा किलो चिकन का कीमा। मैंने धो के नितार कर 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अच्छा, ये थाई पोर्शन का है, आप ब्रेस्ट पोर्शन का भी ले सकते हैं कीमा। मैं थोड़ा सा इसे स्क्वीज कर करके फिर एक प्लेट में डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ आप हल्का ही स्क्वीज़ कीजिएगा, एकदम उसकी जान मत निकाल दीजिएगा। चलिए, ये कितना पानी निकला। अब यहाँ पर मैं नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। मैं एक छोटा चाय का चम्मच डालती हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। दो हरी मिर्चियाँ मैं काट कर डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, हरा धनिया, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं 2 टीस्पून भुना और दरदरा पिसा हुआ धनिया आता है ना, वो डालती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 1 या 1.5 छोटा चाय का चम्मच नॉर्मल धनिया पाउडर आता है वो डाल सकते हैं। मुझे ये बड़ा पसंद है तो मैं हमेशा डालती हूँ। अब इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, और मैंने 2 ब्रेड को इस तरीके से बारीक पीसेस करके यहाँ डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मक्खन डाल दीजिए भरकर, यानी कि मस्का, और मैं यहाँ 1 टेबल स्पून भरकर मलाई डाल रही हूँ। मैं बाजार के लिए, आप घर की भी गाढ़ी मलाई ले सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस, यूजुअली मैं लाल मिर्ची का पाउडर नहीं डालती हूँ, बट मैं थोड़ा सा 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और मैंने फिर से मलाई डाली 1 टेबल स्पून। तो यानी कि टोटल 2 टेबल स्पून मैंने मलाई डाली है। फ्रेश क्रीम जो बाजार की होती है आप घर की भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से सबसे पहले मिक्स कर लीजिए। अब इसे ना आधे को मिक्सर जार के अंदर डालें और इसे बहुत अच्छा एकदम ब्लेंड होए तक इसे पीस लें। ऐसा हो जाना चाहिए कि एकदम टेक्सचर एकदम एक दूसरे में घुल जाना चाहिए, एकदम सिल्की टेक्सचर होना चाहिए इसका, कीमे का। तो इस तरीके से आप टेक्सचर बन करिए, ये देखिए एकदम अच्छा सॉफ्ट टेक्सचर लगेगा कि आपको लगेगा कि आपके हाथ में एकदम नरम नरम लग रहा है एकदम। तो उसे निकाल कर साइड पर रख दीजिए और बाकी के आधे को इसी तरीके से पीस लीजिए। जो भी मिक्सर जार के अंदर लगा हो ना उसे भी सारा लीजिएगा, जो ढक्कन में होता है उसमें भी से ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत महंगी चीज़ें आती है। अच्छा, अब स्टील की वाटी रख दीजिए चिकन मिक्सचर के ऊपर, गरम करा हुआ कोयला रख दीजिए, उसके ऊपर घी तेल या मक्खन डालकर क्विकली ढक दीजिए, कोयले के ऊपर डालिएगा और इसको ढक कर इसके ऊपर कुछ वजन डाल दीजिए और तकरीबन 5-10 मिनट रहने दीजिए। जब 5-10 मिनट हो जाए तो निकाल लीजिए, कोयला फेंक दीजिएगा। अब सबसे पहले तो मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए एक बार और इक्वली डिवाइड कर लीजिए। अब मैं तकरीबन 12 सीख बना रही हूँ तो मैं 12 पोर्शंस कर रही हूँ। आपने बहुत ज़्यादा बड़ी या और मोटी बनानी है तो आप कम डिविजन्स करेंगे तो मोटी और बड़ी बनेगी, ज़्यादा डिविजन्स करेंगे तो छोटी बनेगी, वो आपके हिसाब से देख लीजिए। अब आप चाहें तो कांडी लें या फिर मेरी तरह सीख ले लें स्टील वाली। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाथों को ग्रीस किया, एक पोशन लिया और सीख के ऊपर लगा दीजिए और फैला दीजिए, और फिर हाथों की मदद से इस तरीके से उंगलियों से निशान दे दीजिए सीख के। तो ये बन गई हमारी सीख एक, इसी तरीके से सारी सीख बना लीजिए। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, सारी बन जाएंगी तो मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, सो दैट थोड़ी मैनेजेबल हो जाए। बट अगर आप चाहें तो यहीं से शुरू कर सकते हैं फ्राइंग करना, अभी चाहते तो यहीं से शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप चाहें तो इसे स्टोर कर रख के भी खा सकते हैं। हम अब जैसे 1 घंटे मैं फ्रिज में रख रही हूँ उसके बाद फ्राई करूंगी, उसके बजाय आप क्या कीजिए, अगर स्टोर करना है तो 2-3 घंटा फ्रिज में रहने दीजिए। जब अच्छी उसमें जान आ जाए हमारी सीख के अंदर तो इसे एयरटाइट कंटेनर के अंदर डालकर, फ्रीजर के अंदर डालकर स्टोर करके रख के खाइए, या फिर आप जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीजर में रख दीजिए और जब चाहें तब निकालें और फ्राई करें। अच्छा, अभी चलिए सबसे पहले हम ग्रेवी बना लेते हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए 1 दालचीनी और 2-3 हरी इलायची। इसे थोड़ा सा तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ पर मैंने 3 रफली काट कर रखी है मीडियम साइज की प्याज, वो भी मैं डाल देती हूँ और इसे फ्राई कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर इसी समय ना
मैं यहाँ डालना भूल गई हरी मिर्चियाँ, आप 3-4 हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। और यहाँ पर मैं तकरीबन 17-18 काजू ले रही हूँ, छोटे थे तो, आपके बड़े हो तो 8-10 लीजिएगा। और इसे भी डालकर फ्राई करें। आपने तब तक फ्राई करना है फास्ट आंच पर जब तक ये जो प्याज है ना ये नम नहीं हो जाती और कच्ची पक्की नहीं हो जाती है, वो इसे लाल नहीं करना है, सिर्फ कच्ची पक्की करना है। बस जब कच्ची पक्की हो जाए कुछ 3-4 मिनट में तो हो जाएगी, तो इसका चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे बहुत अच्छे से छान कर ड्रेन कर कर सबसे पहले साइड पर रख दीजिए। और जब ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लीजिए। अब सेम वही कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा और तेल डाल दीजिए, उसमें 1 या 1.25 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। फास्ट आंच पर चूल्हा चालू करके इसे भून लीजिए। जब अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाए और कच्चेपन की खुशबू सारी चली जाए, तो मसाला पीस के जो हमने रखा है ये सारा डाल दीजिए। और अच्छा, मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ क्योंकि बाहर उड़ रहा है, उस वजह से आप मीडियम आँच ही रखिएगा। और ये जो सारा भी लगा हुआ हो जार के अंदर या ढक्कन के अंदर, तो सारा लीजिएगा क्योंकि सारी चीज़ें बड़ी महंगी हैं आजकल। और ये सब सारा निकाल लें तो सबसे पहले तो चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद चूल्हा मीडियम आँच कर कर 2 से 3 मिनट तक इसे पकने दीजिए। अच्छा, मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली थी ब्लेंड करने में, आप ज़रूर डालिएगा। जब 2-3 मिनट हो जाए तो मैंने 1/4 कप पानी है ना मिक्सर जार के अंदर थोड़ा डालकर चला लिया था, और उसमें इसमें डाल देती हूँ। और थोड़ा एक बार मिक्स कर लीजिए, हल्का सा एक उबाल आ जाता है तो स्लो आँच करके इसे ढक कर 3-4 मिनट पकने दीजिए। जब 3-4 मिनट हो जाता है तो ये देखिए इस तरीके से जो हमारा मसाला है वो पक जाएगा। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ हरी मिर्ची, मैंने पीस के अभी डाल रही हूँ। अगर आपने पहले ही डाल ली है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची को थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया। अब इसे मिक्स कर लीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैं 1 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। ये डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को, और इसे ढक कर तकरीबन पकने दीजिए 2-3 मिनट, या पकाए तब तक पकाए स्लो आंच पर जब तक तेल नहीं छूट जाता। जब 3-4 मिनट हो जाए और आप देख सकते हैं तेल छूट गया है, अच्छा भून चुका है, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ फेटी हुई, रूम टेम्परेचर पे है ये दही, तकरीबन 1/2 कप है, और इसे मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हा, और कंटिन्यूस ये दही को चलाते हुए पका लीजिए तकरीबन 5-6 मिनट तक। इसे इस तरीके से पका लेंगे ना, सो दैट बहुत अच्छे से भून भी जाएगी और वो जो हो जाते हैं ना कटलप हो जाती है वो नहीं होगी। तो बार बार चलाते रहें और मीडियम आँच पर इसे पका लीजिए। 5 मिनट हो चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है जैसे आप देख सकते हैं, और दही बहुत ही अच्छे से भुना गई है, सारी चीज़ें भुना गई है। तो यहाँ पर मैं 1 कप दूध डाल देती हूँ, चूल्हा मीडियम पर ही है, इसे एक उबाल खिला लीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके ढक कर इसे कुछ 2-4 मिनट के लिए पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल ऊपर नहीं छूट जाता। अच्छा, बाय द टाइम 3-4 मिनट लगेगी तो हम यहाँ पर हमारी जो चिकन है फ्राई कर लेते हैं सीख को। चलिए अब इसे मैं पीछे रख देती हूँ और यहाँ पर पतीली रख देती हूँ फ्राई पैन सीख के लिए। सबसे पहले जो फ्राई पैन है उसे बहुत अच्छा गर्म कर लीजिए। जब बहुत अच्छा फास्ट आंच पर गर्म हो जाए तो मक्खन डाल दीजिए और चारों ओर फैला दीजिए मस्का डालकर, और 5-6 एट ए टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सीख डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। आपने क्या करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, वैसे भी ये पीसी हुई है और जल्दी गल भी जाती है चिकन, तो आपने क्या करना है चारों ओर से है ना डार्क स्पॉट्स आ जाए बस वहाँ तक ही इसे पकाना है। उलट पलट करते हुए इसे डार्क गहरे स्पॉट्स दिलवा दीजिए चारों ओर से, दोनों साइड से वो उलट पलट करते हुए दोनों ओर से। जब डार्क स्पॉट्स आ जाए तो इन्हें निकाल कर एक प्लेट में साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से बैचेस में दूसरे बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लीजिए। मैं 2 बैचेस में कर रही हूँ, आपकी फ्राई पैन छोटी हो तो 2-3 बैचेस लगेंगे। मैं इतने एंड में जाके फ्राई कर रही हूँ लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है, आप चाहें तो बीच में भी फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले जब आप सीख कबाब को वारते हैं मतलब शेप देते हैं और थोड़ी देर फ्रिज में रखे तब भी आप फ्राई कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी आप तब फ्राई कर सकते हैं, मैंने अभी किया है। चलिए ये सारे हो चुके हैं, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट है, माशाल्लाह। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे ग्रेवी की ओर। चलिए ये खोल लीजिए, ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है, और ग्रेवी आपको इतनी ही चाहिए तो रहने दीजिए, बट मुझे थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, 3/4 कप जितना
दूध डाल रही हूँ और इसमें एक छोटा चाय का चम्मच हाथों की मदद से क्रश करके सूखी हुई कसूरी मेथी डाल दीजिए, 1/4 कप जितनी मलाई डाल दीजिए, एक बार चला लीजिए इसको। मुझे अभी भी कम लग रहा है नमक, तो मैं नमक डाल रही हूँ, ऊपर से स्वाद अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। और ये है 1/4 कप, अगेन मैंने दूध डाला क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी कम लग रही, क्योंकि हम ग्रेवी ज़्यादा खाते हैं। फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए, जब अच्छा उबाल आ जाता है तो ये सारी चिकन जो हमने बनाकर रखी है साइड पर, फ्राई करके रखी है, सारी डाल दीजिए। चूल्हा स्लो कर दीजिए, एक बार चला लीजिए और इसे ढककर तकरीबन 6-7 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक ये जो तेल है ऊपर नहीं आ जाता। मैंने थोड़ा सा ऊपर है ना काली मिर्चों का पाउडर डाला था। चलिए तकरीबन 5-6 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है और जो अंदर से थोड़ी बहुत भी जो कच्ची रह गई होगी जो हमारी चिकन, वो भी गल गई है। तो अब मैं खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल देती हूँ और चूल्हा कर देती हूँ बंद। आप चाहें तो मेरी तरह बारीक कटी हुई मोटी मोटी हरी मिर्ची फीकी वाली डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही गर्मा गर्म रोटी पराठा फुल्का बटर नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए। तो है ना मजेदार, बहुत ही मजेदार। आप देखिए कितनी सॉफ्ट थी ये जो सीख थी, बहुत ही बढ़िया बनती है। जैसे मैंने बताया वैसे अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी भी बनेगी और सीख भी सॉफ्ट बनेगी। सो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसकी लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और हाँ, अगर आप ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार मजेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।